हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं गूगल मैप्स की पेड लिस्टिंग, जैसे कि लोकल लिस्टिंग एड्स आप बोलते हैं, उस पर अगर आपको पेड एडवर्टाइजमेंट अपना पेड लिस्टिंग करना है तो ये आप कैसे करेंगे। मैं अभी एक लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा था तो मुझे लगा आपके लिए लेक्चर मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है गूगल मैप पेड लिस्टिंग एड्स, क्योंकि ये लोकली कई क्लाइंट्स अप्रोच करते हैं, कंपनीज अप्रोच करते हैं कि आपका जो मैप लिस्टिंग है उसमें पेड ऐड आए। अब आप में से कई लोगों को अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो पहले मैं इसका एक आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और उसके बाद हम लाइव एग्जीक्यूशंस करते हैं। एक लाइव प्रोजेक्ट पे एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको इस पर बेटर लर्निंग्स मिले, और अगर कोई इंटरव्यू में आपसे कुछ डिटेलिंग पूछ रहा है रिगार्डिंग पेड गूगल मैप लिस्टिंग एड्स, तो आप उसे पूरी डिटेलिंग में चीज़ें ब्रीफ कर सके कि कैसे इस फंक्शन को यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैंने इन जनरल टर्म, कोई भी टर्म थी मैंने उस पर सर्च करा, आप भी सर्च कर सकते हैं जो आपकी टर्म है विद लोकेशन, जो मैंने डेली डाल के सर्च करा, तो आपने नोटिस करा होगा यहाँ पे पेड लिस्टिंग्स आते हैं, देख रहे हैं ये एड्स करके यहाँ पे लिस्टिंग आ रहा है, और बाकी जो है ये नॉर्मल ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स हैं जो नॉर्मल आप लोग एसईओ में लिस्टिंग्स वगैरह करते हैं। अब क्या है कि अगर आप नोटिस कर रहे होंगे, जैसे ही मैं इन पेड एड्स पे माउस रख रहा हूँ तो यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे एक पॉपअप हाईलाइट हो रहा है, जैसे देखिए हाईलाइट हो रहा है, मैं क्लिक नहीं कर रहा बस माउस रख रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक पॉपअप हाईलाइट हो रहा है, देख रहे हैं आप ये पॉपअप हाईलाइट हो रहा है। तो ये जो पेड लिस्टिंग है ग्रीन आइकन्स में जो ये पेड लिस्टिंग्स आ रही हैं, ये कैसे आ रही है, जो एड इन में लिखा रहा है, देख रहे हैं एड इन में लिखा रहा है, तो ये कैसे आ रहा है। इसका हम जो सेटअप होता है एडवर्ड्स अकाउंट के थ्रू हम बनाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि शायद लोकल लिस्टिंग्स में ही जाके अकाउंट में जाके वहां से पेड बनता है, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट गलत है, मैं आपको अभी एक लाइव बना के दिखाऊंगा। बाकी जो रेड कलर में आ रहे हैं यहाँ पे लिस्टिंग्स, ये सारी ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स हैं जो भी आप रेड कलर में देख रहे हैं, और जो ग्रीन कलर में आ रही है ये आपकी पेड लिस्टिंग्स हैं। अब ये पेड लिस्टिंग्स के पेज में कैसे पहुंचे, आपने कोई भी कीवर्ड सर्च करा, मैं जरा शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और लर्निंग्स आपको ज़्यादा मिले, और कॉन्सेप्ट पे हम डायरेक्ट आए, बट थोड़ा आपको पता रहे कि पोजीशंस वगैरह क्या होती है, उसका जो प्लेटफॉर्म है कहाँ पे वो एडवर्टाइजमेंट शो करेगा वो पता होना ज़रूरी है। तो ये वो मैप है, कई बार आपने देखा होगा यहाँ पे भी पेड ऐड आ जाता है। अभी मैं सर्च तो मैंने करा नहीं, ज़्यादा R&D मैंने इस पे करी नहीं कि किस पे यहाँ पे पेड एडवर्टाइजमेंट ऐड करके आ जाए, बट कई बार आपने नोटिस करा होगा, आप में से कई लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो आगे नोटिस करिएगा। कोई भी कीवर्ड आप सर्च करते हैं मैप, हर एक विद लोकेशन पे मैप आपका मोस्टली आता है, तो यहाँ पे भी कई बार पेड एड्स में आती है, और यहाँ पे ग्रीन कलर का वो मैप आइकन बना आता है, बिकॉज ग्रीन इज फॉर स्टैंड फॉर आपका जो पेड एडवर्टाइजमेंट है, ग्रीन में आ रहा है ना एड, तो ये ग्रीन में स्टैंड कर रहा है, देख रहे हैं आप यही डोमेन नेम का एड यहाँ चल रहा है, क्लिक नहीं करेंगे ताकि उनकी कॉस्टिंग ना लगे, जस्ट आपको प्रीव्यू दिखा रहा था। अब बात आई कि कैंपेन हम बनाएंगे कैसे, तो आपको करना क्या है, लोकल लिस्टिंग पेड एड्स अगर बनाना है तो पहला तो ये पॉइंट गलत है कि आप लोकल लिस्टिंग से जाके पेड एड बना सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है, एडवर्ड्स के थ्रू आप बना सकते हैं। तो हम एक कैंपेन क्रिएट करते हैं, सबसे पहले कैंपेन में मैं गया, कैंपेन पे आया, मैं कंपनी के लिए लाइव अभी कर भी रहा हूँ, एक एजेंसी के लिए लीड जनरेशन का काम कर रहा हूँ, कंसल्टेशन के लिए प्रोजेक्ट आया हुआ है, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का काम है उनका, तो अब उनका जो लीड बेस मैनेजमेंट है वो मेरे को उन्होंने दिया है कि आप पूरा कंसल्टेशन मैनेजमेंट करिए, तो उनके लिए मैं एक विद इन एरिया जो उनका एरिया है उसके लिए मैप्स लिस्टिंग ऐड बना रहा था, तो मुझे लगा आपके लिए लेक्चर एक रिकॉर्ड करना चाहिए, तो सारा काम लाइव करेंगे, क्योंकि देखिए स्पेंड अकाउंट है, क्लिक्स हुए हुए हैं, कॉस्टिंग लगी हुई है, कन्वर्जन आए हुए हैं पहले के, अब हम कुछ इसमें फर्दर और इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं, तो आगे हम प्रोसेस करते हैं कैसे हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। तो प्लस कैंपेन में जाना है, ये तो आई गेस पता होगा, कैंपेन में जाके क्रिएट कैंपेन करना है, फिर न्यू कैंपेन आपने करना है। न्यू कैंपेन में जाने के बाद मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है मुझे लीड जनरेट करनी है, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव वो आप ऑप्ट करें, तो सर्विस प्रोवाइडर लीड से स्टार्ट करें, और अगर कोई ई कॉमर्स स्टोर है और वो चाहता है कि मैं विद इन अपने कुछ रेडियस में अपना मैप में हाईलाइट करूँ पेड एड्स, तो वो सेल के साथ प्रोसेस कर ले, ई कॉमर्स में सेल्स हम रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो मैं चलिए लीड्स में लेता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। लीड्स में जाने के बाद सारे मेरे पास टाइप्स ऑफ कैंपेन आ गए जो मुझे क्रिएट करना है ऑब्जेक्टिव के बाद। तो अब यहाँ पे एक चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से आप समझें, नहीं तो इंटरव्यूज में अगर आप कुछ भी बोल देते हैं तो वो फिर पॉइंट गलत कंसिडर हो जाता है। अब अगर मैं सर्च एड की बात करता हूँ, सर्च एड मीन्स नॉर्मल जो सर्च कैंपेन हम बनाते हैं, मैंने भी कई वीडियोज में अपने बताया, आप भी बनाते होंगे फॉर श्योर। तो अगर आप सर्च एड के बारे में थोड़ा पढ़ें तो ये बता रहा है कि जो एडवर्टाइजमेंट आपकी शो करेगा ये करेगा सर्च रिजल्ट पे, जो कि google.com हुआ, जो आपका सर्च इंजन हुआ, वहाँ पे जो रिजल्ट पेज है, जब आप कोई क्वेरी डालते हैं रिजल्ट पेज पे आते हैं तो वहाँ पे ऐड शो करेगा रिजल्ट पेज, और गूगल सर्च पार्टनर साइट्स पे करेगा एंड मोर। तो सर्च पार्टनर साइट्स में आपके जैसे आपका आस्क आ गया, AOL आ गया, तो ask.com तो बंद हो गया, तो
ask.com तो आप बोलिएगा मत, aol.com आप बता सकते हैं। ऐसे ही हम क्या बोलते थे जो पुराना इंटरफेस था, अभी भी हम लोग बोलते हैं, मैं इसको गलत नहीं बोलूंगा, हम बोलते हैं सर्च पार्टनर्स में आपका गूगल मैप्स भी होता है, कि गूगल मैप भी तो गूगल का सर्च पार्टनर है, याहू भी आपका सर्च पार्टनर है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, अगर आप इस ऑब्जेक्टिव को लेके कैंपेन बनाते हैं, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो आपका गूगल मैप्स में ऐड नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है गूगल मैप्स, इन्होंने सिर्फ लिखा है गूगल सर्च पार्टनर साइट्स, उनमें प्रायोरिटी पे वो कंसिडर करता है aol.com एंड याहू, याहू पे आपका ऐड आएगा, लेकिन इसमें गूगल मैप्स पे नहीं आता, जबकि गूगल सर्च पार्टनर भी आपका गूगल मैप है। तो अगर आपको गूगल मैप एडवर्टाइजमेंट यूज करना है तो सर्च के थ्रू मत बताइएगा कंपनी को, नहीं तो इंटरव्यूअर जज कर लेगा जिसने काम कर रखा है कि भाई आपको नॉलेज नहीं है, सर्च में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, याहू में आ जाएगा, एओएल में आ जाएगा, आस्क में आ जाएगा, गूगल रिजल्ट पेज में आएगा, लेकिन गूगल मैप में नहीं आएगा, मैप मीन्स ये वाले में ऐड नहीं आएगा, जबकि गूगल मैप भी गूगल का सर्च पार्टनर में कंसिडर होता है। आप बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको एक्यूरेट पॉइंट बता रहा हूँ जो प्रॉपर पॉइंट है इसका। तो अब आपने क्या करना है, इसको स्मार्ट में जाना है। स्मार्ट अगर आप पढ़ेंगे तो स्मार्ट में आपने नोटिस करा होगा कि आपकी ऐड आएगी, ऑटोमेटिक एड्स होती हैं, वो भी हम करेंगे, ऑटोमेट सारा फंक्शन होता है, तो आप सीख लेंगे अभी कैसे होता है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, देखिए गूगल में आएगा आपका ऐड, गूगल मैप्स में आएगा, एंड अदर अक्रॉस वेब, मतलब जितनी भी आपकी पार्टनर वेबसाइट्स हैं और आपके जो भी पार्टनर्स हैं उनमें एडवर्टाइजमेंट आएगा। तो देखिए क्लियरली मेंशन है गूगल मैप, तो जब भी आपको लोकल लिस्टिंग पेड लिस्टिंग्स ऐड करनी है, गूगल मैप्स पेड लिस्टिंग ऐड करनी है, तो ऑलवेज यूज स्मार्ट कैंपेन। अब मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने यूज करा है, लेकिन स्मार्ट कैंपेन अभी यूज करना होगा, ठीक है। तो मैं स्मार्ट कैंपेन ऑप्ट करता हूँ, ले लिया मैंने, हाईलाइट कर लिया। दो ऑप्शन आएंगे, कॉल टू योर बिजनेस या विजिट योर स्टोर फ्रंट। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टोर को लोग हाईलाइट करके देखें और डायरेक्ट विजिट करें, या वहां से कॉल कर ले, मैं उसमें कॉल ऑप्शन भी दे सकता हूँ कॉल टू योर बिजनेस का, ठीक है। तो मैं सीधा विजिट टू योर स्टोर फ्रंट करता हूँ, कॉल वाला लूंगा तो उसमें सीधा कॉल का ही ऑप्शन आएगा, कोई क्लिक करेगा सीधा डायल पैड में उसके नंबर आएगा, उस तरीके का ऑप्शन है जैसे कॉल ओनली एड्स होती हैं एडवर्ड्स में, आपने यूज करा होगा मोबाइल में। तो मैं स्टोर फ्रंट लेता हूं, उसमें मैं फोन नंबर भी लगाऊंगा कि कोई क्लिक करे तो फोन भी आए, कोई क्लिक करे तो मेरा एड्रेस भी देखे, विजिट भी करे वेबसाइट। तो विजिट टू योर स्टोर फ्रंट इज द बेस्ट ऑप्शन। अब आगे आप पहला ऑप्शन भी लेना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जस्ट मैं कंपनी के लिए कर रहा था काम, तो मुझे लगा बहुत टाइम हो गया, आप लोगों के लिए सेशंस भी नहीं रिकॉर्ड कर पाया, बिजी रहा थोड़ा मैनेजमेंट कंसल्टेशन में, तो अब मैं आप लोगों के लिए कुछ थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ 15-10 डेज में आपके लिए कुछ नया नया कॉन्टेंट शेयर करता रहूँ। तो ये हम आ गए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कंपनी ने जो पहले से लिस्टिंग्स कर रखी हैं तो उनके बहुत सारे एड्रेस आपको दिख रहे होंगे, तो उन्होंने बिजनेस लिस्टिंग्स ऑलरेडी कर रखी है, अब मेरे को सिर्फ उसको हाईलाइट करना है अपनी पेड एड्स में। तो अब एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर पूछ सकता है या आप और थोड़ा एलैबोरेट करके बता सकते हैं। अगर एड्रेस कुछ कम, मतलब चेंज हो गया या कुछ आपको लगता है चेंज करना है, शॉर्ट करना है या कुछ भी चेंज करना है, तो यहाँ पे एक एडिट आइकन आता है, जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे, मैं कर नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, अगर एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपका बिजनेस लिस्टिंग पेज पे आपको ले जाएगा, वहां पे आप एडिट कर सकते हैं। तो मुझे तो कोई एडिट नहीं करना, अगर कोई बोल देगी कि आप एडिट कर सकते हैं पेड एड्स में कि आप जो एड्रेस दिखाना चाहते हैं वही आए, ज्यादा बड़ा एड्रेस ना है, लॉन्ग एड्रेस ना है, शॉर्ट एड्रेस है और आपका प्रॉपर एड्रेस है, तो वो कर सकते हैं एडिट बटन के थ्रू, पर मैं एडिट नहीं करूंगा, मैं ऑथराइज नहीं हूं करने के लिए। मुझे बोला है जो पटेल नगर का एड्रेस है बस वो आपको यूज करना है, तो मैं पटेल नगर वाला जो एड्रेस है उस पर यहां पर इसको क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैं नेक्स्ट विंडो पे लैंड करूंगा। अब नेक्स्ट विंडो क्या है ये भी थोड़ा आप समझिएगा, नेक्स्ट विंडो ये है कि आपका जो रेडियस है अराउंड योर बिजनेस ये डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, देख रहे हैं। मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा स्क्रीन हाईलाइट हो, देख रहे हैं ये पूरा डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। या तो मैं अपना एरिया खुद सेट कर सकता हूं क्लिक करके, जैसे मैंने ये क्लिक करा यहां पे, मैं अपना इसको रिमूव करके अपना कोई भी सिटी वगैरह डाल सकता हूं, या मैं रेडियस अपना अराउंड बिजनेस खुद ले सकता हूं। अब आपने करना क्या है फ्रेंड्स, कभी भी कोई कंपनी का काम आपको आता है या अगर आप अब इसके बात करते हैं तो सेटअप और रेडियस अराउंड योर बिजनेस आप इसी ऑप्शन को यूज करें। मैं ये क्यों कह रहा हूं, जैसे ही मैंने इसको डिफॉल्ट सिलेक्ट करा है आप देख रहे होंगे न्यू दिल्ली 11008 इज अ पिन कोड, ये मेरा जो पोस्टल कोड है ये यहां पर आ गया है, ये अपने आप आ गया है 11008। अब ये कैसे है, ये लिस्टिंग का एड्रेस था, देखिए मैं आपको क्लाइंट की साइट दिखा रहा हूं जिनका मैं कंसल्टेशन मैनेजमेंट कर रहा हूं, तो अगर मैं आपको इनका एड्रेस दिखाता हूं जिन्होंने अपडेट कर रखा है, तो देखिए वो 11008 वाला पिन कोड इन्होंने ऐड कर रखा है। तो ये डिफॉल्ट लोकल लिस्टिंग का जो आपका वहां पे मैट्रिक में जो आपने वहां पे लोकल लिस्टिंग में जो पोस्टल कोड दिया रहता है वो यहाँ पे डिफॉल्ट ले लेता है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ एरिया सेट करना है कि कितने एरिया तक हमें दिखाना है। तो मैं 9 to 10 किलोमीटर या 15 10
10 किलोमीटर ले लेता हूँ, चलिए तो मैंने 10 किलोमीटर का रेडियस ले लिया, तो उस पे रेडियस, रेडियस मीन्स सर्कल हुआ ना, रेडियस टारगेटिंग मीन्स सर्कल टारगेटिंग, तो आपके एपिक पॉइंट से मतलब 1100008 वाला जो पिन कोड है, जो करोल बाग या पटेल नगर का पिन कोड है, वहां से जो हमारा 10 किलोमीटर के रेडियस में सर्कल में हमारा जो भी सर्च करता है, क्या सर्च करता है वो हम आगे भी सेट करेंगे, तो वहां पे मेरी इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट मैप लिस्टिंग्स में पेड हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको आगे लेके जाता हूँ। ये तो प्रोसेस सिंपल था, यहां तक आप समझ गए प्रोसेस। अगले स्टेप में हमें डिफाइन करना होगा हमारा प्रोडक्ट और सर्विस, मींस योर नेचर ऑफ बिजनेस, ताकि जिस कीवर्ड पे सर्च हो रहा है गूगल आइडेंटिफाई करे कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस ये है, उन लिस्टिंग्स में ऐड दिखाए ना। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है टेली कम्युनिकेशंस सर्विस प्रोवाइडर, तो ये तो मेरा है नहीं, तो मैं यहाँ पे रेडियो बटन पर टिक करूंगा और यहाँ पे मैं अपना कीवर्ड, जैसे मेरा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, हम ये क्लाइंट मेरा कोर्स करा रहा है जिसके लिए मैं अभी कंसल्टेशन का काम कर रहा हूँ लीड जनरेशन के लिए, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, राइट, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इसके बिहाफ पे उसने मुझे कुछ रिकमेंडेशंस नीचे खुद से दे दी कि आपको क्या क्या ऐड करना है, तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग भी ओके है अगर कोई इस पे सर्च करता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी ठीक है, इंटरनेट मार्केटिंग कोर्स ज़्यादा रिलीवेंट है, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन चलो कंसिडर कर सकता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स चलो कंसिडर कर सकता हूँ, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स तो चलो डिजिटल मार्केटिंग में कंसिडर हो जाएगा, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स मैंने कुछ सेगमेंट ले लिए। अब ये मैंने कुछ सजेस्टेड सेगमेंट ले लिया, अब ये समझिएगा ये सारा ऑटोमेट एड्स है। जब अगर आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा स्मार्ट एड्स के बारे में, जब मैं पढ़ रहा था, तो ये ऑटोमेशन फीचर पे काम करता है, इसमें लेस मैन पावर लगता है और कॉस्टिंग बहुत फास्ट लेता है, और मेन ये कि बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, शायद आप में से कई लोग आज तक इसको यूज़ ही नहीं करा होगा, बट चलिए आज सीख रहे हैं, जिनको नहीं पता था तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट कई बार बहुत बेनिफिशियल एड्स होती हैं क्योंकि लोकल बिजनेस प्रमोशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऐड है और रिकमेंडेड रहता है, मैं सिखाता भी हूँ कराता भी हूँ प्रैक्टिकल्स अपनी ट्रेनिंग्स में, तो ये आपको यूज़ करना है लोकल बिजनेस प्रमोशन के लिए, राइट। तो अब आप सीखिएगा और करिएगा इसको, और बहुत कम टाइम में आपका ऐड बन जाता है। ठीक है, अभी ये ऐड का मैटर है, तो मैंने कुछ ऐड का मैटर पहले बनाया हुआ था, तो मैं फटाफट इसको यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ ताकि टाइम वेस्ट आपका ना हो लिखने में। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स H2 जो लिखा है यहाँ पे लिख देता हूँ, H1 भी गलत बना हुआ है, H1 को यहाँ पे ले लेता हूँ। ये प्रीवियस ऐड उठा रहा है क्योंकि इस आईडी पे बहुत सारी लिस्टिंग्स ऐड करी हैं, सर्विस की भी करी हैं, कोर्स की भी करी हैं, जो जो सर्विस वो देता है उनके लिए बना रखा है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैं एक फटाफट कुछ भी ऐड कर लेता हूँ, चलो 100% और 100% जॉब प्लेसमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा ही कैची बना लेता हूँ, बाकी मेरी तो साइड नहीं है, यहाँ पे ये सोच के इंक्वायरी मत कर देना कि मैं कोर्स कराता हूँ, मैं तो कोर्स नहीं कराता, मैं तो जस्ट आपको बता रहा हूँ मेरी साइड तो ये है जो मैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी ppcexpertclasses.com, मैं सिर्फ पेड एड्स की ट्रेनिंग्स कराता हूँ और मेरा प्रैक्टिकल अप्रोच ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट है, मैं कोई ऐसे बिजनेस कॉन्सेप्ट्स पे नहीं काम करता कि आपको मैं कोर्स ऑफर करूँ या कुछ वैसा, मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स कराता हूँ, 6-7 months की मेरी ट्रेनिंग्स होती है, तो ये मेरी साइड नहीं है, पहले क्लियर कर रहा हूँ, ये मैं जिस एजेंसीज का काम करता हूँ वहाँ से मुझे ये मैनेजमेंट के लिए मिला है, तो मुझे फीस मिली है, तो मैं ऑब्वियसली जो काम मिला है मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, सिंपल। तो मेरी साइड नहीं है कि आप मेरा समझ के इंक्वायरी कर दें वहाँ पे कि मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ आपके लिए फटाफट, ताकि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो, और ये भी कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ फटाफट, ताकि D2 ये मैंने बना के रखा हुआ था ताकि फटाफट ले लूँ। H3 बना लेते हैं, मैंडेटरी है, अगर मैं नहीं डालूंगा, आप में से कई लोग बोलेंगे कि H1 H2 तो ठीक है, H3 और D2 छोड़ दो, D1 ले लो, आगे स्टेप प्रोसेस करो, ऐसे नहीं प्रोसेस कर पाओगे। इसमें जितने मैट्रिक दिए हुए हैं स्मार्ट कैंपेन में मैंडेटरी है, नॉर्मल ऐड होता सर्च कैंपेन का उसमें H1 H2 लेते, डिस्क्रिप्शन 1 लेते, चल जाता, H3 नहीं देते, D2 नहीं देते, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इसमें मैंडेटरी है, इसमें H3 नहीं दूंगा तो सेव नहीं होगा, रेड कलर में एरर दे देगा, तो इसमें बनाना जरूरी है 100%। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, जॉब प्लेसमेंट डाला है, कुछ एक डाल देता हूँ, 100% जॉब ऑफर लेटर ये डाल देता हूँ, थोड़ा आई कैची वर्ड है, अभी दिखाने के लिए डाल देता हूँ, बाद में एडिटिंग कर लूँगा, जस्ट आपको बता रहा हूँ, एक H3 बनाना भूल गया था मैं, कोई बात नहीं। अब जरा मेन कॉन्सेप्ट आते हैं और मेन काम समझते हैं हम। तो ये मेरा ऐड का यहाँ पे बन रहा है कॉन्टेंट, जो मैं यहाँ पे अपना सिंटेक्स मैंने ऐड करा, जो एट्रीब्यूशन उनमें ऐड करा, यहाँ पे मेरा प्रीव्यू आया। अब फ्रेंड्स ये देखिएगा, सी मोर ऐड लेआउट, मैं आपको कन्फर्मेशन भी दे रहा हूँ ताकि आप मुझे फॉलो करते हैं, मेरे चैनल को देखते हैं, वीडियोस पे ट्रस्ट करते हैं, लर्निंग्स आपको मिलती है, तो मैं कोई गलत चीज़ आपको ना शेयर करूं,
जो कि मैं आपको रॉन्ग कमिट कर दूं और आप उस बेसिस पर आगे रॉन्ग कमिट कर दें, तो मैं बिल्कुल ये चीज़ें स्ट्रिक्टली अवॉइड करता हूँ। जो काम मेरी एक्सपर्टीज है वही मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर आप सी मोर लेआउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा प्रूफ मिल जाएगा। गूगल सर्च पे तो ऐड आएगा, देख रहे हैं गूगल सर्च दिया हुआ एग्जाम्पल मोबाइल का और डेस्कटॉप का। गूगल मैप्स देख रहे हैं, नॉर्मल प्रीव्यूज में नहीं आता, आप सर्च कैंपेन के प्रीव्यूज देखिएगा उसमें मैप्स नहीं आता। ये देखिए मैप है साइड में और लेफ्ट साइड में आपकी एड लिस्टिंग्स हैं और यहाँ पे एक कलर येलो कलर में दिखा रहा है प्रीव्यू, मींस ये आपका इस तरीके से हाईलाइट करेगा जैसे ये मोबाइल पे आएगा आपका, जैसे आइकन आया मोबाइल पे और नीचे आपकी लोकल लिस्टिंग का पेड एड वहीं आ जाएगा प्रॉपर। क्योंकि मोबाइल पे जब आप देखते हैं जो भी आप लिस्टिंग्स वगैरह देखते हैं तो मोबाइल पे इस तरीके से आता है, उसी के नीचे आपका पेड एड पहले आ जाएगा। तो बहुत बेनिफिशियल एड है ये, आपका मोबाइल का गूगल मैप है या आपका डेस्कटॉप का गूगल मैप है। देखिए राइट साइड में डेस्कटॉप में तो आपको वही दिखा रहा हूँ, राइट साइड में है और लेफ्ट साइड में ये पेड लिस्टिंग्स आ रही है, माउस रखने पे हाईलाइट हो रहा था। देखिए ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ये डोमेन दिख रहे थे ना आपको, ये देखिए, और ये वाला ग्रीन में, तो यही पेड एड्स आ रही थी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, विद प्रूफ आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना हो। और ये पार्टनर साइट्स का है कि मतलब उस रेडियस में अगर कोई भी एडसेंस वाली साइट्स पर जाता है, अब तो मोर देन 2 मिलियन वेबसाइट्स हो गई हैं, ऐप्स हो गए हैं आपके, वीडियोस हो गए, तो मोर देन 2 मिलियन साइट्स एप्स वीडियोस, तो वहाँ पे आपका इस तरीके से ये एडवर्टाइजमेंट काइंड ऑफ ब्रांडिंग हो गया। ये थोड़ा रेलिवेंट है, अगर ये चीज़ नहीं होती गूगल की पार्टनर साइट्स की तो ये फीचर तो बेस्ट फीचर था और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता, बट ये पार्टनर साइट्स बहुत ही रिलेवेंट ट्रैफिक ले आता है क्योंकि ब्रांडिंग बेस कंज्यूम कर लेता है, कई बार रिलेवेंट क्लिक्स आ जाते हैं, कॉस्टिंग यही खा जाता है। तो कोई कैप नहीं है कि इस पे लगे, इस पे बजट लगे, इस पे ना लगे, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, बट कोई बात नहीं, एक बार यूज करके देखिए क्या पता आपको बेनिफिट आ जाए ना, नहीं आएगा तो चेंज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे डोमेन बदलना है तो मैं डोमेन अपने क्लाइंट का यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ और यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एंटर ऐसे करना पड़ता है, मतलब जो प्रीवियस लिस्टिंग्स यूज़ करी हमने अपना और मैंने यूज़ करी है सर्विस के लिए क्लाइंट्स की, तो उसमें सारी शो करता है कि आपने पहले बना रखा है, कि यही डोमेन तो नहीं है, तो मैंने नया डोमेन का बना रहा था, आपको दिखा रहा था, तो मैंने नया डोमेन डाल दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, बहुत ईजी प्रोसेस था, अभी तक तो कुछ भी नहीं करा। अब ये फ़ोन नंबर का ऑप्शन आ रहा है तो इसको हटा के हम क्लाइंट की साइट से जो उसका इंस्टीट्यूट का नंबर है वो डाल देते हैं जिस पर उनके कंसल्टेंट से अप्रोच करेंगे। तो यहाँ से हम नंबर फुटर से ले लेते हैं, शायद ये नंबर है, ये नंबर दिया हुआ है यहाँ पे व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर कॉल का, तो ये मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे कॉपी करके इस लिस्टिंग में यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, इंडिया का नंबर, इसमें फ़ोन नंबर भी हो गया, ऑप्शनल है, नहीं भी डालता तो भी छोड़ सकता था। ये राइट साइड में प्रीव्यू आ रहा है, यहाँ पे कॉल बटन भी आ रहा है देख रहे, तो नंबर तो नहीं शो होगा लेकिन कोई क्लिक करेगा तो कॉल सीधा डायल पैड में नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शनल है, नहीं भी लेता तो मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट कर सकता था, लेकिन डाल दीजिएगा। मैंने वही आपको बोला था पहले कि कॉल एड्स भी बना सकते हैं इसमें कॉल बटन के साथ, और लोकल लिस्टिंग दोनों बन जाता है मतलब विद एड्रेस, तो आप बेटर प्रीफर करिएगा स्टोर फ्रंट वाला जो सेकंड रेडियो बटन मैंने इनिशियल लिया था वही लीजिएगा, इसमें फ़ोन नंबर का ऑप्शन आया था। आगे बढ़ते हैं, इंडिया था मेरा तो मैंने नंबर डाल के आगे प्रोसेस करा। अब ये बजट का बोल रहा है, इनकी रिकमेंडेशंस है तो गूगल की रिकमेंडेशन ज़्यादा फॉलो मत करिए, हम खुद भी बोलते हैं ज़्यादा गूगल की जो बिड स्ट्रैटेजीज़ हैं बजट रिकमेंडेशन है इतना मत फॉलो करें। अब मैं अपने हिसाब से मेरे क्लाइंट का जो डेली बजट है वो 500 है तो मैं यहाँ पे 500 डेली बजट लगा लेता हूँ और यहाँ से आगे सेट बजट कर लेता हूँ, ठीक है। सेट बजट करके चलो मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ क्योंकि डिस्प्ले भी है कई बार बहुत फास्ट डबल कंज्यूम कर लेता है, तो फिलहाल मैं 100 कर देता हूँ, पहले एक बार क्लाइंट को ऑडिट करा लूँगा उसके बाद बजट बढ़ा लूँगा, आपको एडिटिंग भी बता दूँगा कैसे होती है। तो 100 रुपीज़ डेली बजट, ये कह रहा है एक बार अपना एडवर्टाइजमेंट पूरा क्रॉस चेक कर लो। कैंपेन का नाम है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसमें अपना नाम मेंशन कर देता हूँ राहुल, ताकि उन्हें पता रहे एजेंसी वालों को कि ये मैंने कैंपेन शुरू कर दिया। अब ये काम मुझे इस मंथ के लिए मिला है प्रमोशन के लिए, तो अब देखते हैं जैन में कितना मैं एंड हो गया तो फैब में कितना बिजनेस जनरेट करता हूँ, इनके लिए कितना काम आता है। आगे प्रोसेस करते हैं, अब स्टोर फ्रंट ये मेरा इस तरीके से है, ये मेरा पूरा ओवरऑल आ रहा है, अब मुझे ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, सब कुछ डन हो गया। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ और ये मेरा कैंपेन डन हो गया, कैंपेन डन हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से ही आपका एक टैब हाईलाइट हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। ये बन गया कैंपेन, बस अभी प्रीव्यू वाले पेज पे ले आया जहाँ पे आपका सारा ओवरव्यू, मैं थोड़ा मिनिमाइज कर रहा हूँ आपके लिए। अब देखिए, अब नोटिस करिएगा, जब आप कैंपेन बना लेते हैं ना नोटिस करिएगा, यहाँ पे आपका एक थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, थोड़ा मैंने जूम करा है, स्मार्ट कैंपेन। कई लोगों के इंटरफेस में पहले नहीं आ रहा होगा, आप लोग जैसे स्टार्ट करेंगे ना डमी अकाउंट वगैरह में तो नहीं आ रहा होगा स्मार्ट कैंपेन। क्यों नहीं आ रहा होगा? क्योंकि ये जब बनाएंगे स्मार्ट तभी आएगा, बट कई लोगों के इंटरफेस में डिफॉल्ट आया था स्मार्ट कि आप क्रिएट कर लो, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना कि ये कैंपेन में कहाँ पे जाके मिलेगा, ये सर्च में नहीं मिलेगा, ये आपको स्मार्ट में मिलेगा और वो भी जब एक्टिव हो जाएगा उसके बाद नीचे कैंपेन हाईलाइट होगा। तो मैंने स्मार्ट कैंपेन पे क्लिक करा, अभी देखिए राहुल कोर्स के नाम से बनाया था ना ये मेरा, अभी अभी एक्टिव हो गया, इसको थोड़ा मिनिमाइज करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये मेरा कैंपेन हो गया, इसमें अब जो भी एडिटिंग करनी है इस कैंपेन में क्लिक करिए, कोई एड ग्रुप वगैरह नहीं होते
क्योंकि कोई कीवर्ड्स वगैरह नहीं होते, क्योंकि ऑटोमेटेड एड्स होती है, नाम ही है स्मार्ट कैंपेन। गूगल खुद से आपके बिजनेस को एनालाइज करके, स्टडी करके आपके एडवर्टाइजमेंट को शोकेस करेगा विद इन रेडियस। कोई सिटी वाइज ऐड भी नहीं है कि दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद सब जगह चल जाए मेरा, तो ये स्पेसिफिक ऐड है। ठीक है, आप कुछ भी एडिटिंग करनी है तो कैसे करेंगे, अभी तो अंडर रिव्यू है। देखिए अब मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, लेफ्ट साइड का पार्ट हटा देता हूँ। अभी देखिए ये तो अभी अंडर रिव्यू है, तो अब आपको कुछ भी एडिटिंग करनी है तो यहाँ पे एडिट साइन आता है या ड्रॉप डाउन आता है। रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं कैंपेन, एडिट ऐड करनी है तो कर सकते हैं, कैंपेन का नाम एडिट करना है तो कर सकते हैं, फोन नंबर एडिट करना है तो कर सकते हैं, बजट करना है, लोकेशन करना है, प्रोडक्ट एंड सर्विस मींस आपके कीवर्ड हो गए, जो मैंने कीवर्ड डाले थे, आप वीडियो एक बार रिकॉल करके देख लेना, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मैंने बताए थे, तो ये सब चीजें आप यहां से एडिट कर सकते हैं और यहां से आपका जो भी क्लिक्स वगैरह मैट्रिक्स है वो यहां पे आपको सारा आ जाएगा। और कन्वर्जन ट्रैकिंग अगर आपके उसमें लगी होगी तो आपको आइडिया आ जाएगा कितना कितना काम आ रहा है, बट आई गेस इसमें एज सच कोई कन्वर्जन का यहाँ पे मैट्रिक है नहीं, देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका कन्वर्जन का कुछ मैट्रिक ऐसा है नहीं, तो बट यही है कि आप इसको यूज कर सकते हैं और काइंड ऑफ स्टोर फ्रंट प्रमोशन है तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फ्रेंड्स एक चीज़ और, मैंने अपने चैनल पे, अगर आप मेरा कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है राहुल बिस चैनल, तो मेरे वीडियो सेक्शन में मैंने अभी एक सप्लीमेंटल फीड्स का भी डाला है और मैंने काफ़ी पीपीसी की वीडियोज़ बनाए, अगर आप देखेंगे तो बहुत लर्निंग्स आपको मिलेंगी, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम मेरी वीडियोस में। और मैंने ये भी शॉपिंग की प्लेलिस्ट भी बनाई है, इसमें सीरीज वाइज मैंने 5 वीडियोस डाली हैं गूगल शॉपिंग की डिटेल अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो अगर आप देखना चाहें तो एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। और वीडियोस में तो आपको मेरी पीपीसी की सारी वीडियोस ऑलमोस्ट मिल जाएंगी, तो आपको लर्निंग्स इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा। तो फिलहाल तो फ्रेंड्स मेरे इस लेक्चर में इतना ही था, और कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप मेरा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे आप मुझे अपना जो भी क्वेरी है वो ड्रॉप कर सकते हैं, तो मैं ट्राई करूंगा उसको सॉल्यूशन बताने के लिए। अदरवाइज आप मेरे साइट पे विजिट करके मेरा नंबर लेके भी मुझे कॉल करके भी चीज़ें पूछ सकते हैं। इवनिंग में मैं ट्रेनिंग्स कराता हूँ, जो मेरे डाउट सेशंस होते हैं पेड ट्रेनिंग्स के, मैं वर्चुअल वीडियो सपोर्ट भी देता हूँ, अपने प्राइवेट वीडियोज भी देता हूँ, तो उसमें मेरे ट्रेनिंग्स मुझे 8 to 10 मेरे को इवनिंग में कॉल करते हैं। तो कोई आप मेरे पब्लिक सब्सक्राइबर है, अगर कोई डाउट क्वेरी हो तो कई बार मैं मॉर्निंग आवर्स में नहीं पिक कर पाता, एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा बिजी रहता हूँ कंसल्टेशन ट्रेनिंग्स वगैरह में, तो आप अगर इवनिंग में 8 to 10 के बीच में ही मुझे कॉल करें, कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई भी आपको अगर कुछ कंसल्ट करना है, कुछ पूछना है, तो मोस्ट वेलकम आप पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही था, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, थैंक यू।